Hello students, let's see this question. The question says, during the fusion of an organic compound with sodium metal, nitrogen of the organic compound is converted into NaNO2, NaNH2, NaCN, NaNC. ठीक है, सो क्या मेथड है कि क्वालिटेटिवली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं कि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज करते हैं, मतलब हीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ में. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाइट्रोजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके आयनिक बॉन्ड्स में आ जाता है और सोडियम के साथ में क्या बनाता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है विच इज कॉल्ड NaCN, सोडियम साइनाइड. ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम साइनाइड. सो अब यहाँ पे क्योंकि सोडियम के साथ में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी डिटेक्शन फर्दर हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका सोडियम सल्फेट के साथ में इन द एसिडिफाइड कंडीशन. सो ये क्या होगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन देगा विच इज कॉल्ड प्रशियन ब्लू कलर. या सो एक बार उसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं कि अगर ये साइनाइड प्रेजेंट है तो इस साइनाइड को हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे. तो सी एन नेगेटिव को रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा, फेरस सल्फेट. सो फेरस सल्फेट में एफ ई टू पॉजिटिव होता है तो यहां से सबसे पहले क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एफ ई सी एन सिक्स फोर नेगेटिव. ठीक है, अब क्योंकि हमने एसिडिक कंडीशन ली है तो वो एसिडिक कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर लिया जाता है इसमें, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो वो फ्यू ऑफ द फेरस आयन्स को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या करेगा, उन फेरिक आयन्स के साथ में रिएक्ट करेगा. ठीक है, और यहां से एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स थ्री. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, और यहाँ इसके साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रशियन ब्लू कलर, प्रशियन ब्लू. ठीक है, सो इस तरीके से हम साइनाइड की डिटेक्शन करते हैं क्वालिटेटिवली. सो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.